हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे साथियों, आज का ये सभी क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछने जा रहा है। याद रख लीजिए, सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखिएगा और बार बार पूछे गए प्रश्न, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने भी दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो साथियों, यहाँ पे पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। पूछा जा रहा है कि एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या बताइए। तो एससीपी यहाँ पे क्या होता है, इकाई सेल में परमाणु की संख्या याद रखिएगा कितनी होती है प्यारे साथियों, 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो आपको यहाँ पे पता है प्यारे साथियों, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा। क्रिस्टल होते हैं प्यारे साथियों, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, 3, 7 या इनमें से सभी। तो क्रिस्टल याद रखिएगा साथियों, कितने प्रकार के होते हैं? हमेशा 4 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? 4 प्रकार के क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। बीसीबी 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि रवादार ठोस है प्यारे साथियों, रवादार ठोस क्या, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रवादार ठोस। तो रवादार ठोस कौन होता है? बिल्कुल यहाँ पे सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। हीरा क्या है? एक प्रकार का रवादार है। कांच और रबर बे रवादार के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा और फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहता है एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, कहाँ पे? एचसीपी में पूछा गया। तो एचसीपी में जो पैकिंग प्रभाज होता है प्यारे साथियों, 0.74 होती है, यानी 74% क्या होता है उसमें पैकिंग प्रभाज होता है। याद रखिएगा, काफी ये एमबीबीआई सवाल है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात कर ले हम लोग, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपसे पूछा गया। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मूल क्रिस्टल की आपसे बात करेगा तो यहाँ पे 7 होती है। ब्रेवर्स क्रिस्टल जालकों की संख्या पूछेगा तो 14 होती है, याद रखिएगा। लेकिन मूल क्रिस्टल जब भी पूछेगा तो 7 मारिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल है और निश्चित रूप से ये आपके अपकमिंग एग्जाम मात्र 12 घंटे से 24 घंटे रह गए हैं और जब पेपर में आएगा तो निश्चित रूप से आप बोलेंगे हाँ सर ऐसे सवाल पूछे गए थे। चलिए, बीसीसी इकाई सेल में प्रयुक्त खाली जगह का प्रतिशत बताइए। बीसीसी में यहाँ पे क्या पूछा गया है? खाली जगह का प्रतिशत पूछा गया। तो खाली जगह जो होता है बीसीसी में 32% होता है, यानी 68% जो होता है प्यारे साथी वो भरा होता है। 68% क्या होता है? बिल्कुल भरा होता है, याद रखिएगा। तो खाली कितना हो गया? 32%। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा और एमबीबीआई सवाल है, निश्चित रूप से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की जरा बात करें, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक धातु का रवाकार हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में, ध्यान से देखते चलिएगा, कहता है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? 12 होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए होगा। 9 नंबर सवाल का जरा जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है? तो चतुष्फलकीय सबसे पहले किसमें होता है, याद रखिएगा। चतुष्फलकीय जो होता है प्यारे साथियों एचसीपी में होता है और अष्टफलकीय सीसीपी में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सॉरी क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको बी बनाइए, इसको डी बनाइए, मिसप्रिंट किया गया है। अगला सवाल की बात कर ले, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। कहता है क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री है, पैमाना पैरामीटर वर्तमान रहता है? ये जो होता है बिल्कुल घनाकार के लिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है और आने वाले एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। प्यारे साथियों, अगला सवाल है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? तो ठोस में जो क्षारीय धातु का हैलाइड का रंग जो होता है प्यारे साथियों एफ केंद्र के कारण होता है। काफी ज्यादा ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एमबीबीआई सवाल है और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का जो रंग होता है एफ केंद्र के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है प्यारे साथियों कि पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो पोटेशियम का जो क्रिस्टलन होता है याद रखिएगा फलक केंद्रीय घनीय जालक में होता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार ये सवाल पूछे गए इसलिए इस क्वेश्चन को फाइनल एग्जाम के लिए लाया गया है और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन से जरा ध्यान से देखिएगा।
पूछा जा रहा है आपसे कि सोडियम क्लोराइड का जालक है, सोडियम क्लोराइड का जालक है क्या है? छठकोलीय है, चतुष्फलकीय है, अष्टफलकीय है, वर्ग समतलीय। तो बात करें सोडियम क्लोराइड NaCl का, तो NaCl जो होता है विद्यार्थियों अष्टफलकीय होता है, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 7 फरवरी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निश्चित रूप से। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? प्यारे साथियों समन्वय संख्या 8 कौन सी धातु की होती है? तो यहाँ पे पोटेशियम की क्या होती है, समन्वय संख्या 8 होती है। किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? पोटेशियम की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेग समीकरण है, ब्रेग समीकरण याद रखिएगा, एन लेमडा बाई 2d साइन थीटा, एन लेमडा बाई 2d साइन थीटा, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक सेल में लैटिस बिंदु की संख्या होती है। तो बॉडी सेंट्रल BCC की बात यहाँ पे किया है, इसमें लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल यहाँ पे 2 होती है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके लिए है। चलिए सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता आपसे पूछा गया CCP का, तो CCP के एकल सेल की संकुलन क्षमता जो होती है वो 52% होती है। कितना होता है? 52% होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो शॉटकी दोष का कारण के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? तो शॉटकी दोष के कारण जो ठोस का घनत्व होता है वो घट जाता है। क्या होता है प्यारे साथियों? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, तो फ्रेंकल तथा शॉटकी जो दोष होते हैं वो परमाणु दोष होते हैं, एक प्रकार का क्या होता है, परमाणु दोष होता है। चलिए कहता है कि फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकल कोष्ठकीय कितनी एकक कोष्ठिका के साथ सहभाजित होती है? तो ये 8 कोष्ठिका के साथ होती है, याद रखिएगा। कितने कोष्ठिका के साथ होती है प्यारे साथियों? 8, 1, 2, 3, 4 और 4 पीछे से होती है। तो टोटल के टोटल 8 क्या सहभाजित निभाता है कोष्ठिका के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन से कहता है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के आप क्रिस्टल जालक संभव ला सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा आप 14 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। कहता है C6H6 कैसा पदार्थ है? तो C6 और H6 ये जो है एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय है। क्या है? प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैसा पदार्थ है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC के एक जालक में टोटल के टोटल 4 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं प्यारे साथियों? 4 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, काफी MBBI माना जाता है, क्योंकि काफी बार ये सवाल पूछे गए। कहता है कि CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है, तो CaCl की जो क्रिस्टल संरचना होती है वो BCC की तरह होती है। किसके तरह? BCC की तरह होती है, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहता है निम्नलिखित आयनिक यौगिक में क्रिस्टल में आप किसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी? तो CSI में जो होता है अधिकतम दूरी होता है, ये सब क्या होता है, बहुत न्यूनतम दूरी के साथ बंधा होता है। चलिए पी प्रकार के डोपित अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो पी प्रकार के जो डोपिंग किया जाता है उसमें 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। N2O में सोडियम का उपसंयोजन संख्या बताइए। Na2O में पूछा गया है, Na2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या, तो टोटल के टोटल 4 होती है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन से कहता है कि अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना में उपसंयोजक संख्या होती है, तो अंतःकेंद्रिक में पूछा गया है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना की बात करें उपसंयोजक संख्या इसमें 8 होती है। कितना होता है? 8 होती है। अगला सवाल कहता है कि ट्रांजिस्टर सीटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व बताइए। तो ट्रांजिस्टर सीटों के निर्माण जो प्रयुक्त होता है सिलिकन का प्रयुक्त किया जाता है, और ये एक प्रकार का क्या है, अर्धचालक भी है। चलिए 30 नंबर सवाल है, कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो धातु की तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाता है, आपको पता होगा 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो धातु की तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाता है वो सिलिकॉन ऑक्साइड दर्शाता है,
जिसे हम लोग SiO2 बोलते हैं। काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड ने पूछा है, निश्चित रूप से आपके इस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बेरवदार ठोस है अथवा कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा प्यारे साथियों, 2017 के एनुअल और 2019 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया सवाल है। तो ये जो होगा क्वार्ज ग्लास जो होगा यानी सिलिकॉन ऑक्साइड, ये क्या होता है, बेरवदार ठोस होता है और अक्रिस्टलीय भी होता है। तो क्वार्ज यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी हाईलाइटेड ये सवाल बनता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। अगला चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट से, जो काफी ज्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में और काफी ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं। कहता है प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। तो प्रासरण दाब का जो फॉर्मूला है, याद रखिएगा काफी बार ये पूछा गया फॉर्मूला है, 2020 के एनुअल में भी पूछा गया, और ये जो होता है P=RT/C होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिए अभी ही, क्योंकि निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम में पूछे जाएगा और आप इसका समीकरण ठोक के आइएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि अर्धप्रागम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। अर्धप्रागम्य झिल्ली से याद रखिएगा प्यारे साथियों, सिर्फ विलायक के अणु ही निकल सकते हैं। किसके, विलायक के अणु ही निकल सकते हैं, विलेय के अणु कभी नहीं, जटिल अणु तो और नहीं, सरल अणु भी नहीं निकलते। यानी विलायक के जो अणु होते हैं काफी महीन होते हैं और ये अर्धप्रागम्य झिल्ली को पार करके निकल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा सवाल है, कहता है प्यारे साथियों कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है, 2020 के एनुअल में पूछा गया है, निश्चित रूप से 2024 में भी पूछा जा सकता है। तो यह आदर्श नियम कहता है यह राउल्ट नियम का पालन करता है या धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, और राउल्ट नियम को आप जरूर याद रख लीजिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है राउल्ट के नियम, काफी बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि पहाड़ पर जो होता है जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। जितना आप धरती के नीचे जाइएगा प्यारे साथियों वायुमंडलीय दाब ज्यादा पड़ेगा, और जितना आप ऊपर की ओर जाइएगा धरती से वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कमते जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल पर जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। तो बात करें यहाँ पे पृष्ठ तनाव यह अनुसंख्यक नहीं है, अर्ध आयु भी नहीं है, चालकता भी नहीं है। प्रासरण दाब जो होता है यहाँ पे ये क्या होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, और इसे आप MBBI रख लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम कुछ ही घंटों में होने वाला है और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच हमेशा 7 होता है, न क्षारीय होता है न अम्लीय होता है, ये क्या होता है प्यारे साथी, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल का क्या होता है यहाँ पे पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा, काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है एंड काफी बार पूछे भी गए। कहता है निम्न में से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है। तो जलीय घोल का जो हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है वो 0.005 mol MgSO4 पर होता है। ये काफी बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। 8 नंबर सवाल है, मानव रक्त का पीएच होता है, प्यारे साथियों मानव रक्त का पीएच कितना होता है। तो पीएच की बात करते हैं 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। मानव रक्त का पीएच कैसा होता है, हमें हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है। तो 7.4 यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, कहता है 0.1 mol BaNO2 घोल का वांट ऑफ गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर होगा, विघटन स्तर कितना होगा, 87%। फाइनली आपका इसका आंसर सिर्फ याद रखिए, क्योंकि समय बहुत कम है और सॉल्व बिल्कुल भी आप ऐसे क्वेश्चंस को ना करें इस समय, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करें, लेकिन बिल्कुल न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चंस में फंसने का प्रयास नहीं करें। जैसे ये है तो इसका उन्नयन क्वथनांक उन्नयन आपसे पूछा गया, तो डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, रिपीट बार बार ये सवाल आपसे होते हैं, तो 0.0512 इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए। डाटा सिर्फ आप याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिए क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर ले, कहता है कि अगर n घुले पदार्थ के मोल की संख्या तथा n जो है कैपिटल n घोलक के मोल की संख्या है तो घुले का मोल प्रभाज, तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल संख्या। तो n जो होता है यहाँ पे घुले पदार्थ के मोल संख्या पहले लिखाता है n, उसके बाद यहाँ पे घोलक का, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे
गुल्ले के मोल संख्या, दोनों जुड़ता है ऊपर सिर पर आता है गुल्ले पदार्थ की मोल की संख्या। तो ये फॉर्मूला जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एक न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे 100%। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो ताप से जो स्वतंत्र होती है वो मोलालता होती है। मोलालता याद रखिएगा, ये ताप से क्या होता है, मोल पर केजी में इसका होता है, और ये क्या होता है, ताप से स्वतंत्र होती है। काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए, हाईलाइट क्वेश्चंस है, निश्चित रूप से 2024 वाले एग्जाम यानी कुछ ही घंटे बाद ये सवाल आपसे देखने को मिल सकता है। चलिए, H3PO4 के एक मोल बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? तो 3 न्यूटन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल डी राइट होगा। चलिए अगला सवाल पे बात करें, तो कहता है कि दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है एजोट्रॉप कहलाता है प्यारे साथियों। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, दो द्रव का एक अगर मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता हो उसे हम लोग एजोट्रॉप कहते हैं। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है एंड काफी बार पूछे गए सवाल है। कहता है कि समुद्री जल का परिसारक दाब लगभग होता है, यानी परासरण दाब पूछा गया, तो 30 ATM पर होता है। कितना होता है? 30 ATM याद रखिएगा, यहाँ पे समुद्री जल का परासरक दाब होता है। कहता है CaNO32 का वांट ऑफ गुणांक बताइए, तो 3 होता है। कितना होता है वांट ऑफ गुणांक? 3 होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है, इसके 1 ग्राम पर मोल कितने आयतन में घुले हुए? तो ये 1.8 लीटर आयतन में क्या होता है, घुले हुए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो संख्यात्मक गुणधर्म नहीं है, हिमांक अवनमन है, उसके बाद क्वथनांक उन्नयन भी है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन भी है। बात करें प्रकाशीय क्रियाशीलता का, ये नहीं होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा और ये सवाल निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन से प्यारे साथियों, कहता है कि किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है। 2017 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो होता है क्या होता है, पाई सी बाई एस टी बराबर एस टी होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, कहता है किसी बिलियन में विलेय का मोल प्रभाव व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे एक सोल्यूट होता है और एन हमने बताया, ये फॉर्मूला रिपीट है और बार बार पूछे गए क्वेश्चन से। चलिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान आपको फॉर्मूला इसका पता होगा, और क्या होता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल ही क्या कहलाता है, परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिहार बोर्ड के 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होगा, तो अपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन होता है P0 - PS / P0, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। काफी बार ये फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, और ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। राउल्ट का नियम काफी हाईलाइटेड होता है आपके एग्जाम के लिए, तो राउल्ट का नियम क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे P = KHx, इसे आप सॉल्व भी कर लीजिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में आप पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, निम्न से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है, आपको मैंने बताया था मोलालता, कई बार रिपीट है देख लीजिए आप, और निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चलिए, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? तो यहाँ पे क्या होगा, 1 mole NaOH का क्या होता है, अधिकतम पूछा गया है, तो अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कहता है एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.082 वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? घोल का जो सांद्रण होता है 0.033 mole होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे, ताकि सभी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में फैला दे, ताकि सभी तक ये क्वेश्चंस पहुंच सके, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए, काफी सारे क्वेश्चंस इस प्रश्न से और आज की क्लास से लड़ेगा। तो कहता है HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होते हैं, तो 48% HCl पाया जाता है। परासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है? तो परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, याद रखिएगा, यानी समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर ले हम लोग, पृष्ठ तनाव के ऐसे चैप्टर्स का आज की क्लास में आपको कराया जा रहा है जो ज्यादा वेटेज रखता है, ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और निश्चित रूप से आज की क्लास से ही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो ये जो होता है उत्क्रमणीय होता है हमेशा। कैसा होता है? रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें
टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, तो टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, और दोनों के दोनों क्वेश्चन महा एमबीबीआई के अंतर्गत आता है और बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए, कहता है ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है, ताजे अवक्षेप को कोलाइड में अगर बदलना है तो पेप्टिडाइजेशन द्वारा इसे हम बदल सकते हैं। किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, यानी कौन सा ऐसा गैस है जिसका अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो कार्बन यहाँ पे मोनोऑक्साइड CO याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे। अगला सवाल की बात कर ले हम लोग जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, कहता है P2O5 अच्छा है, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का अवशोषक है याद रखिएगा। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है, हमने बताया था टाइलिन जो है प्यारे साथियों जीव की लार पर होता है जो सलाइबा के रूप में कार्य करता है और भोजन को अंदर निगलने में सहायता भी करता है। तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक बताइए, तो तेल को वसा में अगर बदलना है तो उत्प्रेरक जो होता है निकेल जो होता है उत्प्रेरक का कैटालिस्ट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। विरागी कोलाइड कहलाता है, विलायक विरागी कोलाइड क्या कहलाता है, तो ये एक लायोफोबिक कोलाइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा और महा एमबीबीआई क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों विलायक से ही नहीं कोलाइड कहलाता है, तो विलायक से नहीं कोलाइड जो है लायोफिलिक कहलाता है और लायोफोबिक लायोफिलिक दो नंबर के सवाल में पूछे जाएंगे आपको, जिसमें आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जाएगा, एक तरफ लायोफिलिक और एक तरफ लायोफोबिक पूछा जाएगा, तो इस तरह से आप अंतर स्पष्ट करेंगे, दो नंबर आपको निश्चित रूप से पूरे पूरे दिए जाएंगे और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कहता है दूध एक उदाहरण है, तो दूध जो है किस प्रकार का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है याद रखिए। निम्नलिखित ने किसके लिए हिमांग कामनमन अधिकतम होता है, तो हिमांग कामनमन जो होता है K2SO4 के लिए अधिकतम होता है, काफी बार सवाल पूछे गए। चलिए, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, हिमांग कामनमन है बिल्कुल है, ये काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन और काफी बार पूछे जाते हैं। क्वथनांक का उन्नयन भी है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी है, और अच्छी बात तो है इसका ऑप्शन भी नहीं चेंज किया जाता है, प्रकाशिक क्रियाशीलता देखिए 2010 में भी पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी राइट है और निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के लिए मोल का आयतन होगा, तो सामान्य ताप है यानी नियत ताप और नियत दाब पर पूछा जा रहा है, तो 22.4 लीटर होता है याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल बताइए, सबसे प्रबल लुईस अम्ल निम्न में से कौन है, तो बेरिलियम ऑक्साइड याद रखिएगा Bi3 होता है। अगला सवाल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन फाइनल आप इसका राइट आंसर याद रखिएगा, पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों की 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा 0.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो ये भी थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 5% केन शुगर दिया गया यानी गन्ना का, और अनुभार दिया गया 342 आइसोटोनिक है, और 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना होगा, तो फाइनल इसका 171 याद रखिएगा। डाटा भी आपसे चेंज नहीं किया जाएगा और सिंपल से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaH घुले हैं, बिलियन की मोलरता क्या होगी, तो फाइनली आप लोग इसे फॉर्मूला डालकर बना सकते हैं, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी फंसना नहीं है, टाइम बहुत ही कम है आपके पास। तो जामतव झिल्ली में छन जाने वाला बिलियन क्या कहलाता है, समांगी बिलियन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल नहीं है, प्यारे विद्यार्थियों नहीं यहाँ पर पूछा गया, फोकस कीजिएगा, जल जो होता है वाटर जो होता है ये कोलाइडी घोल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव वास्तविक घोल द्वारा ही प्रदर्शित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अपमार्जक को कहा जाता है, तो अपमार्जक को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ संक्रियण बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, पृष्ठ संक्रियण, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट होगा। कहता है तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी बिलियन कहलाता है, तो तेल तथा पानी से बना कोलाइडी बिलियन जो होता है वो इमल्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, इमल्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूरेज उदाहरण है, यूरेज जो है एक एंजाइम है, यूरेज एक प्रकार का क्या है, एक एंजाइम है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। कौन सा द्रव स्नेही कोलाइडी है, 12 के एग्जाम में पूछा गया है, एनुअल एग्जाम में, तो ये जो होता है गोंद जो होता है
ये द्रव स्नेही है प्यारे साथियों, काफी हाइलाइटेड क्वेश्चन है, काफी बार ये सवाल आपसे पूछा गया। तो गुण जो होता है ये द्रव स्नेही कोलाइड होता है। किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, शर्करा बिलियन में क्या होता है यहाँ पे टिंडल प्रभाव जो होता है संभव नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी राइट है। एंड काफी एमबीबीआई क्वेश्चन ये सीरीज आपको कराया जा रहा है और कुछ ही घंटे बाद जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी सेम टू सेम। अगला सवाल की जरा बात हम लोग कर ले तो कहता है रक्त पर आवेश पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा ऋणात्मक आवेश रक्त पर होता है। पूछा जा सकता है आपके डीएनए पर कैसा आवेश होता है, तो ये भी ऋणात्मक ही होता है। डीएनए पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक। द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण बताइए, तो आवेश जो होता है द्रव स्नेही कोलाइड का अस्थायित्व का प्रमुख कारण माना जाता है। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है प्यारे विद्यार्थियों, एंजाइम का जो मुख्य अवयव प्रोटीन है, एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है, प्रोटीन होता है। कहता है शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, तो शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है N2O होता है। क्या होता है, N2O होता है। एंड एमबीबीआई क्वेश्चन से याद रख लीजिए, उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक कौन था, यानी कैटालिस्ट को सबसे पहले व्याख्या किसने किया, तो बर्जिलियस वैज्ञानिक था जो कैटालिस्ट का सबसे पहले प्रयोग किया था, और फादर्स ऑफ कैटालिस्ट भी इन्हें ही कहा जाता है। धनावेशित सॉल का उदाहरण बताइए, तो जिलेटिन जो होता है इस पर धनावेश होता है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, तो कक्ष ताप पर भौतिक अधिशोषण की क्रिया कराई जाती है। निम्न में से द्रव से नहीं कोलाइड का उदाहरण बताइए, तो जिलेटिन जो है प्यारे साथियों ये क्या है, एक प्रकार का द्रव से नहीं कोलाइड है। एक्स वाई एम तथा पी के मध्य वक्र कहलाता है, तो अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्न कहता है निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है, यानी द्रव से प्यार करता है, तो गोंद यहाँ पे द्रव स्नेही होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कोलाइडी सॉल है प्यार विद्यार्थियों, तो विषमांगी सॉल होता है कोलाइडी सॉल, काफी हाइलाइटेड क्वेश्चन है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालते हैं, तो इमल्सीकरण के द्वारा निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या होता है समय अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, बिल्कुल उत्प्रेरक क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच लड़ाई हो रहा है, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं हो रहा, कहीं दूसरा कोई आया और एक किसी को क्या किया यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य किया कैटालिस्ट को और भड़का दिया, तो ये लड़ाई जो हो गया फास्ट हो गया, तो यही हो गया साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, यानी सिर हाथ गोर पैर तोड़ने के समय को क्या कर दिया यहाँ पे कम कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठोस ठोस समुदाय कौन है, तो ठोस ठोस समुदाय की बात करते हैं, संश्लेषित जीव जो होता है ठोस ठोस समुदाय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल की बात करें जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है कहता है कि ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x by m तथा log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है, ग्राफ की ढाल स्लोप बराबर है, तो log k के यहाँ पे बराबर होता है। चलिए छठा नंबर चैप्टर से जो भी काफी इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं और ज्यादा वेटेज यही चैप्टर रखता है, काफी ज्यादा सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उसको जरा देखने का प्रयास करते हैं। कौन जिंक का अयस्क नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, बॉक्साइड क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या होगा, याद रखिए एल्युमिनियम से भी पूछा जा सकता है कि कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बॉक्साइड राइट आंसर होगा। कौन सा कथन सही है, तो कथन जो सही होता है सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, बट सभी खनिज अयस्क बिल्कुल भी नहीं होते, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए तीन नंबर सवाल की बात करें, खनिज जिसमें धातु का निष्करण होता है निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है, तो अयस्क कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा और काफी बार पूछे गए सवाल है। बात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, बात्य भट्टी में आयरन का ऑक्साइड होता है, क्या होता है आयरन का। अगला सवाल है कॉपर का मुख्य अयस्क बताइए, तो कॉपर ग्लास जो होता है कॉपर का मुख्य अयस्क माना जाता है। छह नंबर सवाल है कि किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है, ये फॉर्मूला दिया गया, तो फाइनली आप इसका ऑक्सी कारक याद रखिएगा, ज्यादा नोमेरिकल में फंसने का जरूरत नहीं है, अभी आपको ज्यादा से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन करने का जरूरत है, जैसा कि यहाँ पे आपको कराया जा रहा है, जो आपको मोटिवेशनल भी देगा और ज्यादा से ज्यादा वेटेज भी रहता है और ज्यादा से ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। लौह का मुख्य अयस्क पूछा जाएगा, तो सभी लौह का मुख्य अयस्क है मैग्नेटाइट सीडेराइट और हेमेटाइट, तीनों के तीनों जो है प्यारे विद्यार्थियों लौह का मुख्य अयस्क माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाए, तो गलनांक के जब नीचे गर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं भर्जन कहले
क्या कहते हैं? भर्जन, और वायु की अनुपस्थिति में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। अगला, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर धातु का जो शोधन है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमेशा वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा किया जाता है। कॉपर सल्फेट के घोल को अधिक KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है तो यह कॉपर आयन का होता है, याद रखिएगा। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो जिंक ब्लेड का जो सांद्रण है फेन उत्प्लावन विधि से हम लोग करते हैं, और इसको आप 5 नंबर के क्वेश्चंस में याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं, ये काफी विख्यात क्वेश्चंस है जिसे हम MBBI के लिस्ट में रखते हैं। कॉपर पाइराइट का सूत्र बताइए, तो CuFeS2 जो होता है, CuFeS2 ये कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का अयस्क हमने आपको बताया था, यहाँ पे बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। मालाकाइट अयस्क है, तो मालाकाइट क्या है? कॉपर का अयस्क है। अगला सवाल, सिल्वर युक्त अयस्क है, तो सिल्वर युक्त जो है गैलेना क्या है? सिल्वर युक्त अयस्क है। कौन सी धातु भू प्रॉपर्टी में प्रचुरता में पाया जाता है? एल्युमिनियम, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पृथ्वी में पाए जाते हैं। सिनेबार कहा जाता है, तो सिनेबार जो होता है HGS को कहा जाता है, इसे ही हम लोग सिंदूर भू बोलते हैं, सिंदूर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कर्षण कहलाता है, भर्जन कहलाता है। कार्बोनेट अयस्क कौन सा है? तो डायस्पोर जो है कार्बोनेट अयस्क है। कॉपर के वैद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धि के रूप में एनोड पंक्ति के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, यह क्या कहलाती है? Ag तथा Au कहलाती है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में प्यारे विद्यार्थियों दिया गया। कहता है कि कैसीटेराइड अयस्क है, तो ये SN का होता है। किसका होता है? SN का, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। कहता है निम्न में से वह लवण जो खनिज के सबसे कम पाया जाता है, तो नाइट्रेट। कॉपर पाइराइट अयस्क है, तो आप याद रखिएगा कॉपर का अयस्क होता है। गैंग और फ्लस्क मिलकर क्या बनाता है? तो खनिज का निर्माण करता है। कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? तो कैल्शियम प्राप्त की जाती है। स्प्लेटर है, तो आप याद रखिएगा एक प्रकार की अशुद्धि, जिंक है। और डेलामाइट आपसे पूछा जाएगा, खनिज में पाया जाता है, तो ये मैग्नीशियम में पाया जाता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 और 5H2O होता है। और लास्ट क्वेश्चन से आज की क्लास का, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? तो कास्टिंग सोडा क्या कहते हैं। प्यारे साथियों, ये जो जितने सारे मैं चैप्टर्स का क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया हूँ, सभी सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न इस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा अभी तक प्रश्न पूछा गया। तो सभी क्वेश्चंस को बारीकी से याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप याद कीजिएगा कि हाँ, हमने सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में किया है। तो फटाफट से इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपका पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।